तो फ्रेंड्स पौने दो हो चुके हैं हम लोग ना, लंच करके निकले यहाँ से। अब हम लोग हल्बन से निकल रहे हैं, 2:45 बजे कॉलोनी से बाहर आ गए हैं। तो चलिए, हेलो हेलो, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग निकल रहे हैं सफ़र पे, तो चलिए पूजा पाठ करने को जा रही हूँ, मैंने पूजा करने जा रही हूँ, तो निकल रहे हैं हम लोग अभी। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे इसके बाद ना, अभी मैं थोड़ा सा पूजा कर लूँ, उसके बाद में थोड़ी बाजार चलते हैं, तब मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ, चलिए मिलते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, सब तो आज हम पतली जा रहे हैं और क्या, हो तो फ्रेंड्स मैं ना निकल गई हूँ नैनीताल से, तो हनुमानगढ़ी पहुँच चुके हैं। ये आप देख सकते हैं पहाड़ों का जो वेदर है कुछ इस तरह से धुंध वाला। और घर से निकलते हुए ना मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया, थोड़ा सा समझ ही सकती हूँ मैं, इमोशनल सा वो हो रहा था, एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी पता नहीं क्यों, जबकि निकलती रहती हूँ मैं घर से अक्सर, तो इस बार थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था मुझे। हनुमानगढ़ी हम लोग पहुँच चुके हैं, यहाँ से ऊपर का हनुमानगढ़ी वाला रोड है ये, यहाँ से ऊपर जाते हैं हनुमानगढ़ के लिए ना, यहाँ पे मंदिर जो हनुमानगढ़ मंदिर है संकटमोचन, तो यहाँ से हम लोग आगे इधर को हल्द्वानी के ऊपर को जो रोड जाती है वो हनुमानगढ़ के लिए जाती है। तो पहाड़ों में आप देख सकते हैं मौसम इस तरह से बना हुआ है, आज भी बारिश तो नहीं हुई, कल रात भी बारिश नहीं हुई थी मगर धुंध है, आज लग रहा है शायद बारिश हो जाएगी, तो इस तरह का वेदर है। तो हम लोग जा रहे हैं अभी हल्द्वानी पहुँचेंगे, हल्द्वानी से नीमा का फ़ोन आया था, लंच वगैरह थी मैं बना दूँगी दाल भात, तो हम लोग घर से आज कुछ भी बना के नहीं लाए क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी कल से ही, तो फिर कुछ बनाया भी नहीं, नॉनवेज कुछ बनाया नहीं, तो लंच करके फिर हल्द्वानी से निकलेंगे हम लोग, 12:30-1 बजे हल्द्वानी से निकल जाएंगे आगे। तो मैं आपको बताती रहूँगी कहाँ कहाँ पहुँचे, कैसे कैसे क्या क्या है, जो देख सकते हैं आप यहाँ पे पहाड़ों के रास्ते। वैसे ना मेरा सर घूमता है तो मैं यहाँ से वीडियो कभी भी शूट नहीं करती हूँ, आज मैंने ऐसे शूट करना शुरू कर दिया है, पता नहीं कब मेरा सर घूम जाए, वैसे तो मैं आगे को ही देखे जाऊँगी। हाँ करती हूँ, हाँ फ्रेंड्स मैं करती हूँ, ये एक मोड शूट करती हूँ, ये मोड मेरे बच्चे अक्सर चाहते थे कि मैं शूट करूँ जो मैंने कभी शूट नहीं किया, उन्होंने हमेशा बोलते ये मोड बहुत अच्छा आएगा आप इसको शूट किया करो, पर नीचे से आते हुए मैं हमेशा भूल जाती हूँ शूट करना, तो ये इस तरह से यहाँ पे इस तरह से ना बहुत तीखे तीखे बैंड्स है जिसमें कि सर घूम ही जाता है, जिसका नाव भी घूमता ना उनका भी घूम जाता है सर। यहाँ पे एक पॉइंट बना हुआ है, लोग यहाँ बैठते हैं, यहाँ पे रेस्टोरेंट भी एक लगा हुआ है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट नहीं था जो नोनी मेरे को शूट करने को बोलते, इसके नीचे वाला पॉइंट था वो ऐसे अच्छा सा एक मोड़ था, ये देखिए ऐसे हेयर पिन बैंड्स है सारे के सारे, तो लोग यहाँ पे खड़े हुए फोटो फोटो खींच रहे हैं। ये देख सकते हैं आप पहाड़ों का मौसम, हुसैन पहाड़ों का, इधर दुकान से वैसे ही छोड़ के निकल पड़े हम दोनों मियाँ बीवी, अभी जा रहे हैं, लौटने का पता नहीं कितने दिन लगेंगे हमको, कल बताऊंगी मैं आपको कितने दिन बाद हम लौटने वाले हैं, आज हमें खुद नहीं पता कि कब हम लौटेंगे ना, एक दिन दो दिन एक हफ्ता उससे ज़्यादा तो नहीं ना। तो फ्रेंड्स हम लोग ना लीज़ किचन पहुँचे हुए हैं, लीज़ किचन एक्चुअली हमने ना वो चिकन पैक करवाया था, खाए मेरा माइक, तो मेरा मेरे शेड्स देखिए जो मैंने कल परसों रुद्रपुर से लिए थे ना ये वाले हैं, तो मेरे को कमेंट में आप लोगों ने जो बताया था ना फर्स्ट वन वाला जो फर्स्ट जो मैंने पहना था वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, वो मैंने एक्चुअली नहीं लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा सा वो था गॉडी गॉडी सा ना, तो डेली यूज़ में नहीं कर सकती थी उसको, तो ये मेरा डेली यूज़ में भी काम आ जाएगा, जैसे मैं घर में भी दुकान जाते हुए पहन सकती हूँ, तो थोड़ा सिंपल सा है ना, तो फिर मैंने यही ले लिया। पहले मैंने आप लोगों के कमेंट पढ़ के मैंने सोचा चेंज कर लूँ इसको आज जाके, फिर मैंने पहना तो फिर मेरे को ठीक ही लगा, मैंने कहा चलो ठीक है यही डेली यूज़ के हिसाब से ठीक है, तो मैं निकली हूँ आज घर से ना डेली के लिए निकली हूँ, बड़ा ही इमोशनल सा वो हो रहा था, तो मैंने सुबह घर से निकलते हुए जो हल्का फुल्का सा शूट किया, फिर मैंने वही शूट किया, मैंने नौनी बाजार तक आए थे, नौनी मेरे साथ बाजार आया था सामान सुमान लेने के लिए, फिर मैंने वो भी कुछ भी शूट नहीं किया, मेरा दिल नहीं करा एक्चुअली शूट करने का कुछ भी, पता नहीं क्यों घर से निकलते हुए बड़ा मन भारी भारी सा अजीब सा हो रहा था, तो काफ़ी कम शूट किया। तो चलिए फिर इसके बाद मैं हल्द्वानी में शूट करती हूँ, और रस्ते में हम लोग कहाँ कहाँ रुकते हैं जहाँ भी रुकते हैं तो वो शूट करती हूँ। ये जो है ना लीज़ किचन करके यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, सबको पता ही होगा नैनीताल हल्द्वानी वालों को। तो हम लोग निकल गए थे हल्द्वानी से 2:45 बजे और अभी 2:09 हो चुके हैं, तो हम लोग जाम में फंसे, पता नहीं क्यों जाम लगा हुआ इस साइड को है ना, बहुत ही ज़्यादा जाम लगा हुआ है, सुशील तिवारी से इधर को निकलते ही जाम ही जाम पता नहीं क्या इतना, अभी यहाँ तो बिल्कुल ही रुक ही गया है बिल्कुल,
तो फ्रेंड्स हम लोग ना हल्द्वानी से निकले थे, देखिए 2:45 बजे ना, 3 बज गए हमको रुद्रपुर पहुँचते, क्योंकि जाम था, इतना खतरनाक वाला जाम लगा था रास्ते भर। तो फ्रेंड्स हमको ना यहाँ पे फिर क्या बोलते रेलवे फाटक मिल गया था, तो देख रहे हैं आप सामने से जा रही है ट्रेन, ट्रेन है क्या ये, ऐसी कैसी ट्रेन है, प्लास्टिक क्यों ना, मालगाड़ी है ना ये, वही तो मन के क्या लगा वैसे। तो इसमें ना रेलवे फाटक मिल गया हमको, मतलब आज ना हमारा जाम डे है, हर जगह हमको जाम ही जाम मिलता, तो जाम डे है। फिर हम लोग यहाँ चाय एंड ब्रेड टोस्ट, इन्होंने ऑर्डर किया है चाय और ब्रेड टोस्ट, और मेरा है ये देखिए शिकंजी, लेमन सोडा, लेमन वाटर सब मंगाया था। तो ये पी रहे हैं हम लोग यहाँ पे। हेलो एवरीवन, तो हम लोग ना गजरौला पहुँच चुके हैं, हाँ वक्त हो रहा है, समय 5 बज चुके हैं और हम लोग हैं अभी गजरौला में। जी नहीं कुछ नहीं, थैंक यू। तो अभी हम लोगों ने नींबू पानी वाला थोड़ा सा पी रहे हैं, कहाँ गया माइक मेरा, तो नींबू पानी वाला पी रहे हैं थोड़ा सा, 5 बज चुके हैं। मतलब रुद्रपुर से हल्द्वानी से रुद्रपुर तक ना बड़ा ट्रैफिक जाम 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 सा मिला, उसके बाद फिर आगे को रोड अच्छे से मिल गई। तो हम लोग हल्द्वानी से चले थे 2:45 बजे, ठीक निकले थे हल्द्वानी से ना हम लोग, तो 3 बजे के आसपास हम लोग पहुँचे थे रुद्रपुर। तो यहाँ हम लोग पहुँचे हैं अभी, क्या कहते हैं इसको, गजरौला। तो चाय वाय पी के फिर निकले, 5 बजे हम लोग गजरौला पहुँचे हैं। तो अभी देखते हैं कितने बजे हम लोग दिल्ली पहुँचते हैं, अब मैं दिल्ली पहुँचने के बाद ही आपसे मिलूँगी। तो फिर मैं आज आपको दिखाऊँगी मजनू का टीला, मजनू का टीला देखिएगा। चलिए मिलते हैं दिल्ली में। वो है सामने स्केचर्स का ना, यहाँ पे एक बड़ा सा फैक्ट्री आउटलेट है स्केचर्स का, तो अच्छे मिल जाते हैं मतलब रीजनेबल प्राइजेस पे। अब काफ़ी सारे फैक्ट्री आउटलेट्स यहाँ पे, अभी वापस आते हुए जब मैं आऊँगी ना दिल्ली से वापस आते हुए, तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। और यहाँ पे स्टारबक्स है, तो हम स्टारबक्स में नहीं जाते हैं मेंशन करना पड़ रहा है मुझे कि स्टारबक्स में नहीं गए थे हम। तो फ्रेंड्स हम लोग ना गजरौला पहुँच चुके हैं, पहुंच चुके हैं और चाय वाय पी के हम वापस आ चुके हैं गाड़ी में भी। गाड़ी से 2 मिनट के लिए बाहर निकलो था ना बाइक, और इतनी गर्मी हो रही है बाहर, गाड़ी के अंदर आते थोड़ा सा सुकून आया। कैसा लग रहा आपको ड्राइव करते हुए? बहुत अच्छा लगता है ना भाई, लगना भी चाहिए ना। तो चलिए ड्राइव करते हुए, मैं सोते हुए आई हूँ आज, मैं सोई हूँ काफी काफी, तो नहीं सोई, कितना सोई हूँ, 15 मिनट, आधा घंटा तो नहीं सोई, इतना फेंको तो मत, थोड़ा सा सोई थी रास्ते में, थोड़ा सा सोई थी मैं। तो ये ड्राइव कर रहे हैं तो मैं सोई, इसलिए मैंने ड्राइविंग भी सीखी, पता है, ताकि आराम से सुकून से सोने मिले साइड में। अगर ड्राइविंग आती हो तो फिर हमको बोलना पड़ता है कि आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, मैं चलाती हूँ तो वो फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ड्राइविंग ही नहीं आती, तो हम सो सकते हैं साइड वाली सीट पर बैठ के आराम से, चश्मा पहनो सो जाओ। तो फ्रेंड्स चलिए निकलते हैं दिल्ली की ओर, तो चलिए देखते कितने बजे पहुँचेंगे हम लोग दिल्ली। तो जैसे ही पहुँचते हैं फिर मैं आपको मजनू का टीला का जो मार्केट है आज थोड़ा सा वो दिखाऊंगी, अपना होटल जहाँ पे हम लोग रुके हैं वो दिखाऊंगी। तो मतलब बहुत तेज धूप है प्लेन्स में ना, पहाड़ों में कितना अच्छा मौसम हो रहा, बादल बादल सा वहाँ पे, इतनी ठंडी ठंडी सी हो रही है, और यहाँ नीचे तो इतनी तेज़ धूप कि ना ही पूछे तो अच्छा है, बहुत तेज़ वाली गर्मी हो रही है। तो मेरे को वैसे एसी से एनर्जी में तो अपनी तरफ का एसी तो बंद ही रखती हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत बीच में ऑन करना पड़ रहा है। देखिए यहाँ पे ना साइड में मोड़ों की पूरी मार्केट, इतने मोड़े ही मोड़े मिलते हैं यहाँ पे, इतनी उधर से लेकर इधर तक काफ़ी लंबी सी मार्केट है, इसमें ये लोग मोड़ा बना बना के, ये देखिए मोड़े बना बना के उन्होंने से टांगे हुए, तो अच्छे अच्छे से मोड़े मिलते हैं यहाँ पे, बड़े डिज़ाइनदार अलग अलग तरह के, अभी वीडियो में आपको दिख नहीं रहे होंगे इसे चलते हुए, क्योंकि गाड़ी थोड़ी स्पीड में है। हवा से बातें करते हुए जा रहे हैं हम लोग, ओवर स्पीड कार को लग सकता है आपको, वो क्या हुआ था आपका चलान, ऑनलाइन चलान होता रहता है इसलिए आपका, क्योंकि आप ओवर स्पीड रहते हो हमेशा। कितना स्पीड है, कितनी स्पीड है ओवर स्पीड चलाने वाले बंदे, 150 ना, 120, 120, 80 तो नहीं है बेटा, 120 है ना, कितना तो चलाओगे, 120-30। तो फ्रेंड्स बारिश पड़ गई है, ऐसे काले काले बादल थे ना हमारे वहाँ पे, तो देखो सफ़ेद सफ़ेद बादल, यहाँ देखो ऐसे काले बादल है,
मतलब पॉल्यूशन से ऐसे बादल हुए होंगे शायद काले. सीरियसली हमारे वहाँ ऐसे बादल होते हैं सफ़ेद, नीचे नीचे बादल है ना ऐसे वाले. यहाँ पे ये काले हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे में हम लोग, और बारिश पड़ गई है और मैं इन काले बादलों को देखे थोड़ी हैरान हूँ. मैंने कहा हमारे वहाँ तो बादल ऐसे नहीं होते हैं, तो इन्होंने बोला ये पॉल्यूशन के बादल हैं उनके. दिल्ली आए और जाम ना मिले ऐसे कैसे हो सकता है, नॉट पॉसिबल ना. दिल्ली आए जाम से जूझना ही पड़ेगा. तो जूझिए जाम से, हम लोग जाम में जूझ रहे हैं अभी. चलो थोड़ा चलता सा जाम, बीच में तो पीछे रुक ही गया था बिल्कुल एकदम से. तो फ्रेंड्स हम लोग ना पहुंच गए हैं एमटी, मजनू का टीला पहुंच चुके हैं. शाम के 7 बज रहे, 7 बजे हम लोग पहुंच चुके हैं. तो गाड़ी हमने पार्किंग में रख दी है, तो ये लोग खुद पार्क कर देंगे गाड़ी को. तो ये लोग खुद गाड़ी पार्क कर देंगे, तो हम लोग निकल रहे होटल की तरफ को. तो मैं चलिए आपको दिखाती हूँ आज अपना होटल जहाँ पे हम लोग ठहरते हैं. हर रोज़ हम लोग उसी होटल में ठहरते हैं. मैं चलिए आपको ले चलती हूँ अपने होटल की तरफ. तो यहाँ पे ना पार्किंग बड़ी मुश्किल से दे देते हैं हम लोगों को, क्योंकि ये इनको टिप काफ़ी ज़्यादा दे देते हैं ना, तो इनको आराम से पार्किंग दे देते हैं. वरना उनको पहले से हाथ मना कर दिया उसने जब इनकी शक्ल देखी, तब फिर से उसने पार्किंग में उनको अंदर एंटर करने दिया. तो वो लोग खुद पार्क करके कार को रख देंगे. फिर चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कैमरा टर्न करके मजनू का टीला का जो मार्केट है वो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को ना. तो चलिए कैमरा टर्न करें. ये इस तरह से है मार्केट, मार्केट के यहाँ यहीं से मार्केट स्टार्ट हो रही है. यहाँ पे ये सब कुछ चीज़ें आपसे छू रहे नॉल, ये दुकान में अच्छी अच्छी सी चीज़ें. तो मैं चलिए आप लोगों को लेके चलती हूँ हमारे होटल में जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं. तो ये शॉप से यहाँ पे अच्छी अच्छी से टॉप्स वगैरह मिल जाते हैं. काइंड ऑफ टिबेटन मार्केट ही है, तो इस तरह की शॉप है. और साइड को भी देखिए, आप देख सकते हैं ये वाली शॉप, इसमें बड़ी अच्छी सी चीज़ें मिलती हैं अंदर. तो जाएंगे हम कल परसों. यहाँ पे भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, लोअर्स वगैरह आपको अच्छे अच्छे मिल जाएंगे. गाउन्स भी अच्छे अच्छे दिख रहे हैं मुझे काफ़ी सारे. ये चप्पल्स वगैरह, मतलब हमारे भोटिया मार्केट बैठन मार्केट सेम ही मार्केट है, सेम टाइप की मार्केट है ना. तो हम लोग पहुंच चुके हैं. तो फ्रेंड दिन भर के ट्रेवल के बाद हम पहुंच चुके हैं मजनू के टीला में. जिस होटल में हमने रूम बुक करवाया था ना, वो रूम का हमको पता नहीं चल रहा अभी, क्योंकि वो सेम नाम किसी और का है या किसका है, नाम गलत हो गया कुछ हो गया, तो रूम अभी तक मिला नहीं है. तो हम लोग वेटिंग एरिया में हैं, वेट कर रहे हैं. चलिए देखते हैं अभी कितनी देर में हमारा रूम कंफर्म होगा. कंफर्म नहीं हुआ है रूम अभी तक भी हमारा ना. तो चलिए देखते हैं कंफर्म हो जाए तो फिर हम लोग करते हैं रूम में. तो अभी हम वेटिंग एरिया में बैठे हैं. मुंह देखो कैसा हो गया थके मारे, मुंह का हालत ऐसा हो रखा है बिल्कुल ही ख़राब सा. चलिए रूम में पहुँच के मिलती हूँ उसके बाद. अच्छा